प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की। जैसा कि 12th क्लास में हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे विद्युतीय यंत्र के बारे में। प्यारे बच्चों, विद्युतीय यंत्र में हम लोग पिछले क्लास में शंट के बारे में पढ़े हैं कि वो शंट हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो गैल्वेनोमीटर को किस तरह से जलने से कुंडली को बचाता है। तो इस तरीके से हम लोग शंट के बारे में पढ़े, और शंट इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स या इंपोर्टेंट पार्ट्स। अब चलिए, सबसे इंपोर्टेंट या ये भी इम्पोर्टेंट ही पार्ट्स है इस चैप्टर में, तो इसको भी वीवीआई टॉपिक्स बनाया जाए, जिसका नाम है ए मीटर। पहले छात्रों, ए मीटर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ए मीटर क्या है, ए मीटर जो मशीन है, यंत्र है, ये काम क्या करता है, इसका बनावट कैसा होता है, इसका फिगर कैसा बनता है, इसके क्या क्या गुण है, इसको बनाने में किसका किसका प्रयोग होता है, क्या क्या लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि एमीटर क्या है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बात लिख लेंगे हम लोग, नोट डाउन कर लेंगे एमीटर के बारे में, तब उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो लिखा जाए एमीटर के में, फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए एमीटर में। पहला बात, एमीटर की सहायता से किसी विद्युतीय परिपथ में धारा का मान सीधे एम्पियर में मापा जाता है। धारा का मान सीधे एम्पियर में मापा जाता है। अब इसी टॉपिक का सेकेंड एरो देंगे। सेकेंड एरो लिखेगा आदर्श एमिटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमिटर का प्रतिरोध शून्य होता है। थर्ड पॉइंट लिखा जाए एमिटर के बारे में, एमिटर वास्तव में गैल्वेनोमीटर की ही एक कुंडली है जिसका प्रतिरोध बहुत कम रहता है। जिसका प्रतिरोध बहुत कम रहता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे विद्युत परिपथ में एमिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम एमिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि एमिटर क्या है। तो सबसे पहला आपको ये जानना चाहिए कि एमिटर क्या है। तो एमिटर एक तरह का यंत्र है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है, और किसमें मापता है प्यारे बच्चों, तो एम्पियर में। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और वो जो कितना एम्पियर का विद्युत धारा किसी भी वायर में करंट में पास हो रहा है, उसको चेकआउट करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम लोग एक यंत्र का यूज करते हैं, एक मशीन का यूज करते हैं, जिसका नाम है प्यारे छात्रों एमीटर। एमीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा किसी भी तार में प्रवाहित होने वाला धारा का मान एम्पियर में मापा जाता है। यानी कि एमीटर की सहायता से ही हम लोग विद्युत धारा का मान मापते हैं, मेजर करते हैं कि कितना एम्पियर का धारा किसी भी तार से प्रवाहित हो रही है। दूसरा एक होता है प्यारे बच्चों आदर्श एमीटर। ये अक्सर सवाल पूछता है कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है। तो देखिए, इस एमीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब प्यारे बच्चों ये नहीं कि जीरो होता है,
अक्सर एमिटर का जो प्रतिरोध होता है ना बहुत ही कम होता है। क्यों? आप खुद समझिए कि अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा हो गया तब तो वो सही सही एम्पियर नहीं ना मापेगा, वो तो खुद धारा और खींच लेगा, यानी कि उसको और नहीं प्रवाहित होने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एमिटर का जो धारा है वो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन एमिटर में ही एक आता है आदर्श एमिटर। प्यारे बच्चों, आदर्श एमिटर सबसे बढ़िया है और ये बहुत महंगा भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरोध बिल्कुल ही नहीं होता है, ये बिल्कुल सटीक मापता है, ठीक है। और इसमें कुछ त्रुटियां हो जाती है क्योंकि ये इसमें कुछ न कुछ 0.00 समथिंग ओम की रहती है प्रतिरोध। तो इसके वजह से आप याद रखिएगा कि आदर्श एमिटर की जो प्रतिरोध होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं एमिटर के बारे में। तो इसमें आगे की बात यह है कि गैल्वेनोमीटर की तरह ही इसमें भी एक कुंडली होती है। प्यारे बच्चों, जैसे कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग कुंडली देखे थे, दोनों तरफ एक हाई पावरफुल चुंबक हुआ करता था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके बीच में हम लोग आयताकार लपेटों की संख्या हुआ करता था उसके क्रोड पे, यानी कि बीच में क्रोड हुआ करता था और उस पे हम लोग लपेटते थे रेक्टेंगुलर लूप, चारों तरफ आयताकार लूप में हम लोग वायर को लपेटते थे, फिर उसको फास्फोरस ब्रॉन्ज एक पतला तार के वजह से उसको टांग दिया जाता था और उसमें एक मिरर लगा हुआ था जिसमें हम लोग उसमें रीडिंग को पढ़ सकते थे, रीडिंग को देख सकते थे। तो ये गैल्वेनोमीटर, प्यारे बच्चों एमिटर भी क्या है, एक तरह का गैल्वेनोमीटर का ही कुंडली है। चलिए हम लोग उसका बनावट देखेंगे तब पता चल जाएगा कि वास्तव में गैल्वेनोमीटर से ही एमिटर बना हुआ है। यानी कि गैल्वेनोमीटर में जैसा कुंडली होता है, जैसा कि बनावट होता है गैल्वेनोमीटर का, वैसे ही हम लोग एमिटर का भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, एक सबसे अहम बात, सबसे इंपोर्टेंट बात ये कि एमिटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब प्यारे बच्चे एक वायर के आगे या पीछे जोड़ना। समांतर क्रम क्या होता है, किसी भी वायर का ऊपर या नीचे जोड़ना, ठीक है। ध्यान रहे आगे पीछे एक तार के एक ही क्रमानुसार नहीं होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए, वो एक समांतर क्रम में होता है। तो चलिए हम लोग याद रखेंगे कि एमिटर जो है परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर एमिटर का बनावट कैसा होता है। हालांकि अभी तो हम लोग पढ़े कि जो एमिटर का बनावट है बिल्कुल किसके तरह है, गैल्वेनोमीटर की तरह है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर एमिटर का बनावट कैसा है। चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग एमिटर के बारे में उसका बनावट कर देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे, सब चीज को देखिए अच्छे से तो आपको ये पता चल जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल गैल्वेनोमीटर नहीं, हम लोग ऐसा सीखे थे। यानी कि आई यहां पे जो बीच में दिख रहा है ये एक क्रोड है, यानी कि बेलनाकार सतह है जिस पर हम लोग आयताकार एल्युमिनियम का फोल लपटे हुए हैं, एल्युमिनियम का पतला पतला वायर को हम लोग उस क्रोड पे लपेटे हुए हैं आई पे। यानी कि इस पे जो लपेटों की संख्या है वो क्रोड पे है जिसको हम लोग आई दिखा रहे हैं। जैसा कि वहां भी दो चुंबक लगाया हुआ रहता था साइड में, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यानी कि प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों चुंबक है और इसके साथ साथ ये जो एस लगा हुआ है, इस एस का मतलब होता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, और इस एस का मतलब है प्यारे छात्रों संट। जैसा कि अभी हम लोग बोले कि गैल्वेनोमीटर की तरह ही एमिटर है, तो गैल्वेनोमीटर तो जहां होगा वहां पे संट जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि संट का मतलब ही होता है गैल्वेनोमीटर को बचाना। अगर अचानक से धारा अगर बढ़ जाती है तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली टूट जाती है, वही कुंडली वही पतला तार जिसका नाम है फास्फोर ब्रॉन्ज जो कि बहुत पतला वायर होता है, अगर वो टूट गया गैल्वेनोमीटर खराब। तो प्यारे बच्चों संट का इस्तेमाल हम लोग हमेशा करेंगे गैल्वेनोमीटर में, और याद है कि संट जो है
यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहता है। कल हम लोग पढ़े भी थे कि शंट में कितना धारा प्रवाहित होगा, गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा। हालांकि अभी हम लोग एमीटर पढ़ रहे हैं, तो एमीटर जो है किससे रिलेटेड है, तो गैल्वेनोमीटर से। और जहां गैल्वेनोमीटर आएगा क्या आएगा, शंट। तो यहां पे हम ये भी लिखेंगे एमीटर के समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों B1 और B2 पेच है, यानी कि स्क्रू है, यहां पे हम लोग स्क्रू को कसे हुए हैं और इसको वायर को ये सब जो सारा है ना वो इसी तरह पाइप का यानी कि प्लास्टिक का बना हुआ एक थंब होता है जिससे वायर जो है आपस में नहीं टकराए, इसको कंफर्टेबल रखने के लिए ऐसा लिखा गया है। H1 और H2 क्या है, तो H1 और H2 P1 और P2 से टिकाया गया एक ब्रश है, यानी बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों दिख रहा होगा H1 और H2, उसको टिकाने के लिए P1 क्या है, तो P1 एक तरह का की है जो हम लोग यहाँ पे चिपकाए हुए हैं और उसी को सटाए हुए हैं एज, ताकि उस पे हम लोग जैसे मान लिया कि वायर अगर बड़ा हो या छोटा हो जाए तो उसमें हम लोग लपेट के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ये हम लोग एक छोर को H1 से कनेक्ट किए हैं, एक वायर के छोर को H2 से कनेक्ट किए हैं और ये मेरा रीडिंग देगा। मतलब कि जब यहां से अगर करंट पास करते हैं तो हमें करंट फिर इस छोर से बाहर निकलेगा। यहां पे देख पा रहे होंगे कि एमीटर रीडिंग करता है, ये वाला एमीटर ऐसे ऐसे करके रीडिंग करेगा कि कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इस एमीटर में, और फिर ये पूरा कुंडली से होते हुए फिर हमें आगे निकलेगा। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि एमीटर क्या है, तो विद्युत धारा को एक मापने वाला यंत्र है जो गैल्वेनोमीटर के जैसा ही एक किस पर, तो क्रोड पर एल्युमिनियम का फॉल लपेटकर बनाया जाता है। और याद रहे कि एमीटर के समांतर क्रम में शंट को भी जोड़ते हैं, तो उसके नीचे ये फिगर जरूर बनाइए और फिगर बनाने के बाद नीचे वाले एरो में देकर लिखेंगे बनावट के बारे में। बनावट का पहला पॉइंट, बनावट का दूसरा पॉइंट, ऐसे बनावट का कुछ पॉइंट लिखेंगे और इसमें यही लिखेंगे कि आई क्या है, क्रोड है, B1 B2 P1 P2 क्या है, ये ए क्या है, इस संट को कैसे जोड़े हैं। तो जो भी हम समझाएं बस वही बात को हम लोग पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे। तो चलिए बनावट में पहला पॉइंट नोट करेंगे, एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटी गई तांबे के पतले तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। फिर लिखेंगे बनावट का दूसरा नंबर में, एमीटर के दोनों सिरों पर P1 तथा P2 टिके हुए रहते हैं, जिस पर एक एक बाल कमानी, ये P1 और P2 है, बाल कमानी का नाम H1 और H2 है, इसको बाल कमानी बोलते हैं। एक एक बाल कमानी H1 H2 द्वारा पेच B1 B2 से जुड़ा हुआ है। देखिए B1 से जुड़ा हुआ है H1 और B2 से जुड़ा हुआ है H2, तो वही बात लिखे हैं। B1 B2 से पेच, इसको क्या बोलते हैं, B1 B2 को पेच B1 B2 से जुड़ा हुआ है। अब लिखेंगे अगला बनावट का अगला नंबर, मतलब कि थर्ड नंबर लिखेंगे, संयोजक पेच में B1 पर धन
B1 पर धन तथा B2 पर ऋण चिन्ह अंकित रहते हैं। ऋण चिन्ह अंकित रहते हैं। देखिए B2 वाला जो पेज है इस पर माइनस अंकित रहता है और B1 पर प्लस अंकित रहता है। फिर लिखेंगे बनावट का चौथा, चुंबक के बीचों बीच नरम लोहे का क्रोड आई रहता है। दोनों चुंबक के बीचों बीच नरम लोहे का क्रोड आई रहता है। फिर बनावट का अगला पॉइंट, कुंडली के समांतर क्रम में अत्यंत कम प्रतिरोध वाला एस संट को एस से सूचित किए हैं। एस संट समांतर क्रम में एस संट समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग एमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। एमीटर के बारे में हम लोग ये भी सीखे कि एमीटर किस तरीके से गैल्वेनोमीटर से भी बना हुआ होता है, उसका बनावट का देखे, जरा फिगर को देखिए तो बहुत सारे हम लोगों को मैच हो रही है, मिलती जुलती नजर आ रही है। तो आज हम लोग एमीटर वाले टॉपिक्स को पढ़े और प्यारे बच्चों विद्युतीय यंत्र में हम लोगों को सिर्फ यंत्र के बारे में पढ़ना है, सिर्फ डिवाइस के बारे में पढ़ना है कि उसका बनावट कैसा होता है, उसमें क्या क्या लगा हुआ होता है। अगर आपको आएगा कि एमीटर पर टिप्पणी कीजिए, वोल्ट मीटर के बारे में बताइए, संट का परिभाषित कीजिए, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चंस को आप थ्योरेटिकल रूप से अच्छे से अच्छे फिगर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही सब में आपको नंबर मिलेगा। फिगर क्लियर होना चाहिए। बनावट के रूप में आप टू दी पॉइंट चीजों को लिखिए कि एमीटर में क्या क्या होता है, कौन कौन चीज क्या क्या है, सबके बारे में नाम जानिए। तो कहने का मेरा मतलब प्यारे बच्चों कि ये जो विद्युतीय यंत्र चैप्टर है इसमें कुल मिलाकर चार ही बात को हम लोग देखते हैं, पहले गैल्वेनोमीटर, फिर संट, फिर एमीटर और फिर वोल्टमीटर। तो आज हम लोग एमीटर पढ़े, अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वोल्टमीटर के बारे में कि वोल्टमीटर का बनावट कैसा होता है, वो किसके लिए उपयोगी है, और फिर लास्ट टाइम में हम लोग कर लेंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है। और एमीटर और वोल्टमीटर में जब हम लोग अंतर कर लेंगे तो हम लोग का ये विद्युतीय यंत्र का चैप्टर प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को प्यारे बच्चों यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में अगले वीडियोज में अगले फिजिक्स के टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।